अस्सलाम वालेकुम, चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन कोफ्ते की। चिकन कोफ्ते बनाने का तरीका जो है वो तकरीबन मोर और लेस ऑलमोस्ट ऐसा ही है जैसे कि हम बीफ या मटन का कोफ्ते बनाते हैं। उसके बस थोड़ा सा इसको जो है वो हमें अच्छी तरह से मिक्स करना होता है। और एक चीज़ इसमें यह है कि अगर इसकी बोटियाँ भी हम लें तो इसको भी हम अच्छी तरह से प्याज और तमाम जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसके साथ जो है वो चॉप कर सकते हैं। मैंने तो हाफ के जी जो है वो यहाँ पर बोटियाँ ही ली हैं। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं, कीमा से ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इसके साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी, एक मैंने दरमियानी से बड़ी जो है वो प्याज को काट लिया है। इसके अलावा तीन टुकड़े मैंने अदरक के ले लिए हैं। लहसुन की कलियां बड़ी थी, मैंने चार ले ली हैं। चार हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है। ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको चॉप कर लूंगी। अच्छी तरह से चॉप करेंगे ताकि तमाम चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएँ अच्छी तरह से। और इसके बाद जो है वो मसाले मैं इसमें ऐड करूंगी। और ये मसाले जो मैं ले रही हूँ यहाँ इसमें ऐड करने के लिए, 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च है, कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून बराबर से गरम मसाला पाउडर है, और धनिया पाउडर, सॉरी ज़ीरा पाउडर है, इसमें धनिया पाउडर मैंने इस्तेमाल नहीं किया। काली मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून बराबर से, नमक है 1 टीस्पून बराबर से, और 2 टेबलस्पून इसमें बेसन है जिसे मैं भून लूँगी। और इसके बाद मैं ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल करूँगी और कोफ्ते बनाऊँगी इसके, और फिर इसके लिए करी तैयार करेंगे। बेसन एज अ बाइंडर यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो बेसन की जगह कोई और चीज़ भी बाइंडर ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो है वो मैं कभी ब्रेड क्रम भी लगा देती हूँ, अंदर डाल देती हूँ, या फिर मतलब फ्रेश जो ब्रेड क्रम्स होते हैं जो मैं डबल रोटी से बनाती हूँ स्लाइस से, तो वो भी आप डाल सकते हैं। और इसमें इस तरह से ही मैं इसको पीस लेती हूँ, इसके साथ डालकर चॉप कर लेती हूँ जो ये चीज़ें डालूँगी। इसके साथ ही मैं अगर इसमें बेसन ना इस्तेमाल करूँ तो मैं 2 स्लाइस जो है वो ब्रेड के मैं इसमें डाल दूँगी और साथ ही चॉप कर लूँगी। लेकिन यहाँ पर मैं ब्रेड स्लाइस नहीं यूज़ कर रही, तो मैं 2 टेबलस्पून इसमें बेसन भून कर इस्तेमाल करूँगी। तो आएँ चले मैं इसको चॉप कर लेती हूँ, फिर कोफ्ते बनाते हैं। चिकन को मैंने पीस लिया है, ये देखें, पहले प्याज और तमाम चीज़ों को मैंने चॉप किया था और फिर इसमें चिकन डाल के मैंने इसे चॉप कर लिया। अब इसमें मैं ये सारे मसाले ऐड कर दूँगी। ये जो मसाले हैं इसके लिए ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके अलावा मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल यूज़ करूँगी और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बेसन को मैंने भून लिया था और अब इसे इसमें अच्छी तरह से मैं इसको सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। ये देखिए ये मेरा मटेरियल तैयार हो चुका है कोफ्ते का। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगाऊंगी इस तरह से, और इसमें से इसको अच्छी तरह से इस तरह करके दबा लेना है ताकि इसमें से इसमें कोई एयर ना रहे, हवा जो भी हो इसमें वो निकल जाए और इसकी बाइंडिंग अच्छी तरह से हो। ये देखिए इस तरह से हम ये कोफ्ते बनाते जाएंगे और इसे रख देंगे इस तरह से। ये देखिए ये मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए, अब मैं इन्हें फ्राई कर लूंगी। तो चले आए इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल को मैंने गरम कर लिया है, अब इसमें मैं एक एक डालती जाऊंगी कोफ्ते इस तरह से। डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ बल्कि इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ मैं।
ठीक है, ये मैं 5 कोफ्ते इसमें डाल रही हूँ और मैं इसे अब मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करूँगी। ये देखें, बस अब इसके साइड को मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कलर इसे नहीं देना, बस इसे फ्राई करना है लाइट। तो बस क्योंकि मीडियम फ्लेम पे किया था तो ऑलरेडी कि चिकन को पकने में टाइम तो लगता नहीं है इतना ज़्यादा, तो बस इसे इस तरह से, और कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटेंगे, देखें ना इनका शेप ख़राब होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। थोड़ा सा हम इसे पैन के ज़रिए भी मूव कर सकते हैं। इस तरह से मैं ये मज़ीद कोफ्ते भी फ्राई कर लूँगी और इसे निकाल लूँगी। ये देखें, ये सारे साइडों पर करने के लिए इस तरह से हम इसे फ्राई कर सकते हैं। जिस तेल में कोफ्तों को फ्राई किया था, अब उसी तेल में जो है वो प्याज पिसी हुई मैं डाल दूँगी, और मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। अब इस प्याज को अच्छी तरह से पहले थोड़ा सा फ्राई करूँगी। इसमें अदरक लहसुन भी ऐड करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो पहले मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें, थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसे, मतलब थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर हो, तो फिर मैं इसमें अदरक लहसुन भी अभी डालूँगी और अदरक लहसुन डालकर इसे भी प्याज के साथ जो है वो फ्राई कर दूँगी। तकरीबन 1 फुल टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है, क्योंकि ऑलरेडी कोफ्ते को भी जब बनाया था तो उसमें भी अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। ये देखें, प्याज में से पानी थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। अब इसमें मसाले डाल दूंगी मैं, और ये जो मसाले मैंने निकाले थे सारे, उसमें से कुछ मसाले डाल दूंगी इसमें और कुछ मैं इसमें बाद में डालूंगी, जिसमें के स्पेशली जो काली मिर्च पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है, ये थोड़े से रुक कर इसे यूज़ करना है। जब मसाला भुन जाए तो फिर बाद में इसे ऐड करूँगी। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून फुल। अच्छा, ऑयल और नमक ये आप अपने तौर पर देख सकते हैं कि आपको कितने रिक्वायर्ड है। यहाँ पर तो मैंने नॉर्मल ही यूज़ किया है और नॉर्मल ही मैं यूज़ करती हूँ। अब जब मसाला भुन गया है तो मैंने इसमें जो है वो दही डालना है। दही अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे, डालकर मज़ीद इसको चलाएंगे ताकि ये मसाला, देखें अब मसाले में तेल नज़र आने लगा है ऊपर, और जैसे ही तेल नज़र आने लगा तो इसमें कोफ्तों को शामिल कर दिया है। अब कोफ्तों को शामिल करने से भुनने तक का टाइम जो है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट का होगा, क्योंकि कोफ्ते तो ऑलरेडी फ्राइड हैं। इसे ऐड करके और इसे 3 से 4 मिनट चला लिया अच्छी तरह से मसाले के साथ, और फिर जितनी ग्रेवी रिक्वायर्ड है उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये कोफ्ता ग्रेवी है तो जितना भी ग्रेवी हमें रिक्वायर्ड होगा हम उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड कर देंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर करके छोड़ना है थोड़ा सा पकने के लिए, ताकि मसाला इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मिलती रहे और आप ऐसी ही रेसिपीज़ देखते रहें। ये देखें, अब इसे 5 मिनट तक कवर करना है। देखें, तेल जो है वो ऊपर आ गया है और अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। इस स्टेज पर इसमें गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छा, ये भी एक ट्रिक है, गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर समटाइम्स जो है वो हम सालन के एंड में या दम के वक्त यूज़ करते हैं, तो इससे सालन का कलर ख़राब नहीं होता है। काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर अगर बहुत ज़्यादा पका दिया जाए इसे तो
थोड़ा सा सालन का कलर डिफरेंट हो जाता है। अब इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल देनी हैं। मैंने 5 हरी मिर्चें डाल दी हैं। कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है और देखें तेल कितना खूबसूरत सा, मतलब इसमें मैंने उतने ही तेल में फ्राई भी किया है और पका भी लिया है और ये अब थोड़ा सा ड्राई है और ग्रेवी जो है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी अच्छी हो गई है, मतलब ज़्यादा हो गई है। तो हरी मिर्चें भी इसमें अच्छी से खुशबू आएगी हरी मिर्चों की भी, और साथ ही हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे। हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसे अब मतलब चम्मच कम से कम इस्तेमाल करना है चलाने के लिए, बस पैन को ही मूव करेंगे ताकि वैसे तो कोफ्ते टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह, आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन फिर भी इसे हम चम्मच ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते इस तरह के रेसिपीज़ में इस स्टेज पर ख़ास तौर पे। ये देखें दम पे मैंने इसे रखा था और अब दम के बाद इसमें इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, इतना ज़बरदस्त सा इसका लुक आ रहा है कि बस आप जब इसे चपाती के साथ, रोटी के साथ या इवन के चावल के साथ इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। गार्निशिंग कर लीजिए इसकी, जैसे मैंने इसमें अदरक डाल दिया है, अदरक जूलियन कटिंग में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका भी। तो बस ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।